केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर बढ़ चुकी है। राजनीतिक पीच पर दोनों दलों की ओर से खुलकर बैटिंग की जा रही है। इस बीच आतिशी को बीजेपी से करोड़ों के ऑफर की पेशकश वाली बात पर अब उन पर भारी पड़ने लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की माने तो आतिशी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास से कोई वैकेंसी नहीं है और बीजेपी आतिशी को कभी ऑफर ना भेजी है ना ही भेजेगी, लेकिन बीजेपी की ओर से आतिशी को मानहानि का नोटिस जरूर भेज दिया गया है और इस बार साफ शब्दों में कहा गया है कि भागने नहीं देंगे। आतिशी से बीजेपी ने सरेआम माफी मांगने की पेशकश भी कर दी है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी को भागने नहीं देंगे, उन्हें सबूत देना होगा या तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पार्टी का चरित्र है, इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे पास दोनों सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल हैं। सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन, दोनों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम डिसाइड करेंगे। इससे पहले आतिशी ने क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ, तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।